हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज हम लोग एक बहुत ही बर्निंग इशू के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टबल बर्निंग। आखिरकार स्टबल बर्निंग होता क्या है, इससे जो है हिंदुस्तान की एयर क्वालिटी और खासकर दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो कितना कनेक्टेड है, इससे जो है हरियाणा, यूपी और दिल्ली के आसपास के एरियाज कितने प्रॉब्लमैटिक या फिर कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग होता क्या है? देखिए, स्टबल बर्निंग इज इंटेंशनली सेटिंग फायर टू द स्ट्रॉ स्टबल दैट रिमेन्स आफ्टर ग्रेन्स लाइक पैडी, वीट एक्सेट्रा हैव बीन हार्वेस्टेड। द प्रैक्टिस वॉज वाइड स्प्रेड अंटिल द 1990s व्हेन गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंगली रिस्ट्रिक्टेड इट्स यूज। आप पिक्चर देख सकते हैं, दरअसल जब पैडी, वीट या फिर राइस जैसे क्रॉप्स को आप सो करते हैं और जब आपका हार्वेस्ट हो जाता है, यानी कि जब आपकी फसल जो है उगती है और हार्वेस्ट जब हो जाता है, सो देर रिमेन्स अ लॉट ऑफ स्ट्रॉ कंटेंट। देखिए, पैडी के फील्ड्स अगर आप देखें तो इस तरीके के बारीक जो है वो स्ट्रॉस आपको मिलेंगे और ऊपर जो है यहाँ पर पैडी वगैरह यू नो होता है। तो जब हार्वेस्ट हो जाता है तो बस ये जो वीट या फिर ये जो राइस है उन प्रोडक्ट्स को लिया जाता है और बाकी का जो ये स्ट्रॉ कंटेंट होता है वो वेस्ट है, यानी कि नए तौर पर से फिर से क्रॉप उगाने के लिए आपको जो है इस स्ट्रॉ को भी बर्बाद करना पड़ता है, इस स्ट्रॉ के एरिया को क्लीन करना पड़ता है। तो फार्मर्स करते क्या हैं कि रेदर देन गोइंग मैनुअली और यूजिंग हाई लेवल मशीनरी टू क्लियर द ग्राउंड, वो इजी तरीके से जो है इस सभी स्ट्रॉ को बस जला देते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो देर वॉज अ मेथड इन एंशियंट एंड मेडिवल वर्ल्ड और आज भी कई जगहों में यूज़ किया जाता है, जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, कि जहाँ पर एक एरिया लिया जाता है वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है और जब वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम ख़त्म होता है तो उस पूरे एरिया को आग लगा दी जाती है ताकि उस एरिया को क्लियर किया जाए। तो इसी तरीके से स्टबल बर्निंग भी जो है, एक बार जब आप पैडी या राइस के वो जब धान आप निकालते हैं तो वो जो रेसिड जो बच जाता है आप उसका करेंगे क्या, तो ज़्यादातर फार्मर्स जो है बस आग लगा देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ स्टबल बर्निंग। तो इससे जो है हेल्पफुल और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, यानी कि देखिए स्टबल बर्निंग जब फार्मर करता है तो कहीं ना कहीं उसके जहन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। तो इससे जो है समाज के लिए हेल्पफुल इफ़ेक्ट्स क्या है और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या है, पहले जानते हैं कि हेल्पफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इट किल्स स्लग्स एंड अदर पेस्ट्स। बिल्कुल, अब जो है जब आप देख सकते हैं कि इस तरीके का स्ट्रॉ जब बच जाता है तो ये यूजलेस है, फिर नया पैडी, फिर नया ग्रेन आने के लिए आपको फिर नए तौर पर से क्रॉप उगाना पड़ता है। तो जब एक फार्मर जो है इसे आग लगाता है तो पूरा जो पेस्ट ऑलरेडी इसमें जो जिंदा होता है वो मार दिया जाता है। स्लग्स और जो पेस्ट और अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स जीते हैं यहाँ पर जो हार्मफुल होते हैं वो मर जाते हैं। कैन रिड्यूस नाइट्रोजन टाई अप, बिल्कुल, ये नाइट्रोजन टाई अप को भी जो है वो रिड्यूस करता है। ईजी वे ऑफ एरिया क्लियरेंस, अभी जो हमने कहा कि मैनुअली जो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क लेता है या फिर हैवी लेवल मशीनरी जो एम्प्लॉय करनी पड़ती है उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ एन ईजी वे कि भाई बस एक या दो लीटर पेट्रोल या फिर केरोसिन यहाँ पर जो है पूरे फार्म में डाल दो और बस उसे आग लगा दो। सो दीज वर द हेल्पफुल इफेक्ट। हालांकि ये हेल्पफुल इफेक्ट्स एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में है, तो आगे आइए जानते हैं कि हेल्पफुल इफेक्ट्स से ज़्यादा जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स सबसे ज़्यादा जो है स्टबल बर्निंग से हार्मफुल और नेगेटिव इफेक्ट्स ही हैं, तो आइए जानते हैं वो क्या हैं। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब हम कहते हैं कि व्हेन यू बर्न द पेस्टिसाइड्स और द स्लग्स डाई, एक्चुअली देर इज़ अ ह्यूज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो कहीं ना कहीं मर जाता है, क्योंकि गर्मी या फिर हीट जो है वो सॉइल को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। पोल्यूशन फ्रॉम स्मोक, जब स्टबल बर्निंग चलता है तो एशस या फिर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जिसे हम कहते हैं, वो आसपास के एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, तो दिस इज समवेयर कॉजेस पोल्यूशन स्मोक से। बिल्कुल, डैमेज टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फ्रॉम फ्लोटिंग थ्रेड्स ऑफ कंडक्टिंग वेस्ट। बिल्कुल, जब छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स जो उड़ते हैं उसमें खासकर जो फ्लोटिंग थ्रेड्स होते हैं छोटे छोटे स्टबल बर्निंग से, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में बहुत डैमेज मचाते हैं। रिस्क ऑफ फायर स्प्रेडिंग आउट ऑफ कंट्रोल, हाल ही में अगर आपने देखा तो ब्राज़ील में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी आग लगी हुई थी फॉरेस्ट में, तो समवेयर दिस कैन ऑल्सो लीड टू सच काइंड ऑफ डिज़ास्टर, क्योंकि छोटे छोटे स्पार्क्स वो उड़कर फॉरेस्ट एरिया में अगर चले जाएँ तो पूरा फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल, हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ने पर ही तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट विच हैज़ बीन पोज्ड बाय स्टबल बर्निंग इज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस।
increased levels of particulate matter and smog that cause health hazard, loss of biodiversity of agricultural lands and the deterioration of soil fertility. ये smog का issue हाल ही में बहुत important हुआ था, जहाँ पर National Green Tribunal ने जो है दिल्ली की सरकार पर fine लगाया हुआ था because they haven't acted on stubble burning. तो ये सबसे बड़ा issue था smog का. और दूसरी जो चीज़ थी वो थी health hazard. बिल्कुल लोगों का health hazard है. You can also threat the very lives because pulmonary जो है कई किस्म के infections होते हैं, कई किस्म के respiratory diseases आ सकते हैं, given to the fact that these stubble burning causes very heavy pollution, air pollution. Loss of biodiversity, बिल्कुल जो biodiversity आपको मिलती है एक land में या soil में वो अब नहीं बचेगी because you have already cleared and burned the entire area. And the deterioration of soil fertility, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया कि how the fertility is lost when you burn the soil. Stubble burning issue in India. देखिए, stubble burning in Punjab and Haryana in Northwest India has been cited as major cause of air pollution in Delhi. हर एक आधे में आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसे हम कहते हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है. तो दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द कंसर्न कि पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्टबल बर्निंग के तरीके को बिकॉज इट इज़ इनएक्सपेंसिव. The government is considering implementation of 1600 km long and 5 km wide Great Green Wall of Aravali. दरअसल ये एक प्लान है कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए जहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या उस रीजन में जो है एक 1600 किलोमीटर्स का वाइड एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली कहा जाए, ताकि दिल्ली का ही नहीं नॉर्थ इंडिया या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एयर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल किया जाए और इस ग्रीन कॉरिडोर में जो है स्टबल बर्निंग पूरी तरीके से बैन किया जाएगा. As a low-cost straw disposal practice, farmers mainly in Punjab and Haryana burn an estimate 35 million tons of crop waste from their paddy fields. देखिए कितना negative effect कर सकता है कि 35 million tons of crop residue is being burnt every year. Burning produces a cloud of particles visible from space and has produced what has been described as a toxic cloud in New Delhi, resulting in declarations of an air pollution emergency. देखिए, हमने अभी जो देखा स्मोक का पोल्यूशन कहीं ना कहीं, तो देखिए वो स्पेस से भी जो है ये विजिबल होता है, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि देर इज़ अ टॉक्सिक क्लाउड ओवर दिल्ली. सो दिस हैज़ लेट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पेशली द दिल्ली गवर्नमेंट टू अनाउंस दैट देर इज़ एन एयर पोल्यूशन एमरजेंसी. The National Green Tribunal (NGT) instituted a fine of rupees 2 lakh on Delhi government for failing to file an action plan providing incentives and infrastructural assistance to farmers and to stop them from burning crop residue to prevent air pollution. महज ये कहने से कि farmers जो है वो negatively इस्तेमाल कर रहे हैं इस inexpensive तरीके को, ये गलत होगा, क्योंकि farmer ये करता है क्योंकि वो गरीब है. तो कहीं ना कहीं एनजीटी जो है वो जानता है कि इट इज़ ऑन द गवर्नमेंट टू गिव देम अ प्लान, गिव देम अ स्ट्रक्चरल हेल्प, गिव देम अ स्कीम विच दे कैन स्टॉप स्टबल बर्निंग. तो ये कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव एफर्ट है फार्मर का, गवर्नमेंट का, एनजीओस का, कि भाई ये तीनों जो है दे वर्क इन टैंडम विथ ईच अदर, क्योंकि एनजीओस या फिर सिविल सोसाइटी को चाहिए कि वो अवेयरनेस बढ़ाए फार्मर्स में, और सरकार को चाहिए कि वो कहीं ना कहीं फार्मर्स की मदद करे, उनमें भी जागरूकता लाए और इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प दे ताकि ये स्टबल बर्निंग को जो है स्टॉप कर सके. तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी स्टबल बर्निंग इन इंडिया के बारे में. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.